सुरक्षा पेंशन थाम रही हाथ, इज्जत की बढ़ती होगी सुधरे हालात, दिव्यांग अनाथ बुजुर्गों की सुनी, दिव्यांग विधवाओं बुजुर्गों की सुनी, राजस्थान में रौनक चौगुनी। खबर बानसूर से, जहां बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के उप जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर के शिलान्यास के बाद आज निर्माण कार्य चालू किया गया है। बानसूर में कालका माता मंदिर के पास 28 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला अस्पताल और 2 करोड़ रुपए की लागत से ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर भूरा सिंह बैसला ने बताया कि 30 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर सहित की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और उसका निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ की मिट्टी को दिल्ली लैब में जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। 6 से 8 महीने में होगा निर्माण कार्य पूरा। डॉक्टर बैसला ने बताया कि बानसूर उप जिला अस्पताल वर्तमान में कस्बे के बीचों बीच होने से वहाँ मरीजों को भारी परेशानी होती है और ट्रामा सेंटर नहीं होने गंभीर स्थिति वाले मरीजों को कोटपुतली या जयपुर रेफर किया जाता था, जिसमें कई लोगों की इलाज के अभाव और समय लगने से जान चली जाती थी, जिसको लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की अभिशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में उप जिला अस्पताल के भवन निर्माण और ट्रामा सेंटर की घोषणा की गई थी, जिसका आज से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसका 6 से 8 महीने में कार्य पूरा हो जाने पर मरीजों को बानसूर में ही सभी सुविधाएं मिल जाएगी। 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ट्रामा सेंटर। डॉक्टर बैसला ने बताया कि उप जिला अस्पताल के साथ ही ट्रामा सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें एक्सीडेंट में घायल मरीजों को तुरंत इलाज मिल पाएगा।